गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपने कार्निवल में। और कौन है पीछे? कौन है? तो आज ये जा रहे हैं क्रिसमस कार्निवल के लिए, तो बच्चों को थोड़ा आउटिंग हो जाएगा और मजे। और पता है यहाँ पे एक बच्ची लड़की देख रही थी हमको देख रही थी क्या? हाँ। क्या बोल रही थी वो? देख रही है, मुझे नहीं पता बोल रही। तू है किधर? तो दिख तो सही इसमें। ये कहाँ पीछे छुप के बैठा है? छुप के नहीं, चलो चलते हैं। ओहो, विंडो सीट चाहिए इसलिए छुप के बैठा है उधर। चलो भाई, यश तो बैठ गया विंडो सीट लेके और अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम, क्योंकि काफी दूर है। तो कहाँ खड़े हैं? फंस गए बीच में। चलो चलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो बीच बीच में ना कुछ कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे तो मैं उनको शूट करते जा रही थी। कुछ कुछ जो भी बीच में आ रहा था, यहाँ पे देखो अर्जुन जो है वो मछली की आँख में देने को तैयार हो रहे हैं। फिर हम लोग पहुँच गए कार्निवल में और यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें, गेम्स भी थे बच्चों के लिए, बट वो सब ना चैरिटी के लिए था। लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा कर रखी थी कि तीन तीन बच्चों के साथ उतनी ज़्यादा प्राइस में हम पता नहीं, मतलब सही नहीं लगा हमें। ठीक है, चैरिटी के लिए है आप करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमें प्राइस लगी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़े नहीं आए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा कुछ गेम्स उनको लगे नहीं। एक दो झूले पे उनको झुलाया, उसमें उन्होंने मज़े किए। यशु ने तो इनफेक्ट झूला भी नहीं झूला, उसको डर लग रहा था। और थोड़ा बहुत इन्जॉय करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए थे और यहाँ पे देखो जीसस क्राइस्ट का पूरा जर्नी यहाँ पे कर रखी थी, किस तरीके से वो मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई थी, जो कि बच्चों को थोड़ा सिखाने के लिए था। और बच्चे देखो यहाँ पे अपना रंबल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो इंटरेस्टिंग लगा खाने में। तो यहाँ पे पूरे फोटोग्राफ से वो सब दिखाया गया था और ये एक पोट्री हो रही थी जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं करना तो चाहती थी बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे ना वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। खाने पीने की चीज़ें भी मैं देख ही रही थी, खाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। घर से एक्चुअली हम लोग आलू के पराठे खा के गए थे और बच्चे देखो आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं और ये ना मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा। इतना लंबा सा बना हुआ है ये आदमी और काफ़ी मज़े आ रहे थे इसको देख कर। और बच्चों ने थोड़े बहुत झूले झूले, उनका भी मैंने वीडियो शूट किया। हालांकि मेरी हालत उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा रही थी, मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ जलजीरा टाइप या इनो टाइप कुछ मिल जाए, लेकिन फिर एक ऑरेंज मोहितो मिला, वो भी 80 रुपीज़ का एक था, तो वो मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। और यहाँ पे अर्णव, अनवी और उसके पापा जो हैं वही बड़े वाले झूले में बैठे हुए हैं जिनको मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी। फिर हम लोग निकल आए और पहुँचे पत्रिका गेट। तो पत्रिका गेट जो है उसके पास ही था, तो यहाँ पे हम लोग देखने आ गए क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और यहाँ पे ना इतने ज़्यादा जो प्री वेडिंग शूट होते हैं वो हो रहे थे, कुछ बहुत से लोग रील्स बनाने में लगे हुए थे, मतलब बेसिकली आप देख लो यहाँ पे शूटिंग ही ज़्यादा हो रही थी। एक दो रील्स हमने भी बनाने की कोशिश की बट उसके बाद नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा, देखो आपको पता है गाने वालों की रील्स मैं कम ही बनाती हूँ, लोगों को ही मैं देखकर ऐसे हो रही थी। बाकी मेरी जो हालत है वो इतना मतलब उल्टी उल्टी टाइप हो रहा था कि मेरे ज़्यादा घूमने फिरने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं एक जगह बैठ गई और बैठे बैठे ही मैं एक्सप्लोर कर रही थी सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो जो प्री वेडिंग शूट हो रहे थे वो भी देखने में मज़े आ रहे थे कि किस तरीके से लोग, ज़्यादातर राजपूती ड्रेसेस में ही प्री वेडिंग शूट हो रहे थे जिनको देखने में बड़े मज़े आए। आप देख सकते हो ये काफ़ी सजी धजी दुल्हनें यहाँ उधर इधर उधर घूम रही थी जिनको देखने में भी मज़े आ रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये प्लेस था उसको देखने से ज़्यादा यहाँ पे दुल्हा दुल्हन देखने को ज़्यादा मिलेंगे आपको। और ये अंदर की तरफ ना ये गेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा यहाँ पे लग रहा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने फ़ोटो क्लिक्स करवाए। और अंदर की तरफ में भी सेम जो बाहर है ना जैसा, वैसे ही जैसा एंट्रेंस पे है अंदर भी वैसा ही गेट है।
और देखो यहाँ पे जोड़े भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, भले ही वो कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो या फिर शादी वाले हों, तो जोड़े ही जोड़े थे यहाँ पे, कपल्स थे मतलब। और ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पे थे। और उस दिन ना दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी आए थे कि जयपुर में पता नहीं कितने लाख टूरिस्ट आपको जयपुर में मिलेंगे, लेकिन हम लकी थे कि हमें बहुत ज़्यादा रश कहीं पे भी नहीं मिला। और ये लोग देखो, मुझे नहीं पता ये कौन से चैनल से हैं, बट ये अपना कंटेंट कुछ बना रहे थे यहाँ पे, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है ये कौन से चैनल से हैं। तो ये लोग अपना शूट कर रहे थे और मुझे शूटिंग देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। और यहाँ पे फिर से वही प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं और अंदर बहुत ही प्यारा गार्डन है। ये जवाहर सर्किल है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सर्किल इसको माना जाता है। और आप सर्च कर सकते हो, जयपुर जवाहर सर्किल के नाम से है ये। यहाँ पे ही आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस सर्किल के चारों तरफ ही पूरा मामला है। और यहाँ पे देखो अनवी जो है वो रील्स बनाने में मेरी हेल्प कर रही थी, वो ही एक्चुअली डांस कर रही थी। मुझे तो इनफैक्ट ये सब आता भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ उसको ही मैं ऐसी चीज़ें करवा लेती हूँ, तो वो बड़ा ही मज़े लेके एंजॉय करती है चीज़ें। देखो बीच में इसका गाना निकल गया था, वो पता नहीं कैसे 15 सेकंड्स का ही हुआ। फिर बच्चों के यहाँ पे फिर से फ़ोटो क्लिक करी। और यहाँ पे देखो ये प्री वेडिंग शूट के लिए ये कुछ कुछ कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था देखने में ये देखो। और बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। अर्ना उन्हें तो आई थिंक न्यूटेला नहीं, किटकैट वॉफल लिया था उन्होंने, वो खाया। अनवी ने यहाँ पे भेलपुरी ली, भेलपुरी का रिव्यू वो दे रही है मुझे, जो कि उसने काफ़ी इन्जॉय करी। और एक बाइट मैंने भी खाई थी, काफ़ी टेस्टी थी भेलपुरी। और अर्नव देखो ये है उसका हैप्पी डांस, जब वो हैप्पी होता है तो ऐसे थोड़ा डांस कर लेता है, जब वो हैप्पी होता है तो हैप्पी भैया बन जाता है, और हैप्पी भैया के जैसे डांस करने लग जाता है। और एक ना ये रोटेटिंग वाला आजकल चल रहा है रील्स बनाने के लिए, तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। एक्चुअली बाहर निकलते हो ना तो ही आप चीज़ें देखते हो, कितना कुछ लोग कर रहे हैं, कितना कुछ आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। बट हम लोग इतना ज़्यादा जाते ही नहीं है बाहर, तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है चीज़ों का। और ये देखो फिर से इनका शूट हो रहा था कुछ तो, और अर्नव भेलपुरी इंजॉय कर रहा था यहाँ पे। देखो कुछ इस तरीके से ये होता है, और घूमते हुए आपका वीडियो बनता है जो कि लोग करवा रहे थे। आई थिंक पैसे देके ही होता है ये सब चीज़ें, मैंने तो पूछा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत थी नहीं ऐसी कि मैं ये सब इंजॉय करूँ। और अनवी ने बनाई फिर से एक और रील, तो ये आई थिंक ड्रॉप इट कुछ सॉन्ग था उस पर इसने किया था और उसको काफ़ी मज़े आए। फिर जो हमारे प्री वेडिंग शूट वाले थे उन्होंने छोले कुलचे खाए, तो मुझे इनको देखने में बड़े मज़े आ रहे थे, तो मैं इनको शूट करने में लगी हुई थी। तो मैं तो यहाँ पे सीढ़ियों में बैठ गई थी और बैठे बैठे ही ये सारी चीज़ें देख रही थी। और जो अनवी के पापा हैं वो बनवा रहे थे उनके लिए वॉफल, तो उसमें ही काफ़ी टाइम लग गया। और अर्नव जो है वो कमेंट करने में लगा था कुछ कुछ, तो वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था वो। और फिर आ गया इनका ये किटकैट वॉफल और इन्होंने खाया, मैंने भी एक बाइट लेकर चखा था कि कैसा है। ठीक था, मतलब जितने पैसे लगे उससे तो थोड़ा कम ही ठीक था, बट ठीक था। तो बस उनको मज़े आ गए, वही बहुत था मेरे लिए। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठ के उन्होंने इंजॉय किया और मैंने पूरी गाड़ी में उल्टियाँ की, और इस तरीके से लेटे लेटे मैं आई थी घर, क्योंकि मुझे बार बार बस उल्टियाँ हो रही थी। उसके बाद आ गए हम घर और हालत बहुत ही ख़राब, और बहुत ज़्यादा ख़राब इनफैक्ट। तो मैं तो आके सो गई। आई होप आपको हमारी ये थोड़ी सी आउटिंग पसंद आई हो। रात में डिनर में रेखा दी ने बनाए थे तंदूरी पराठे, पालक पनीर था,